सो हेलो एवरीवन, दैट इज आवर बॉय हियर एंड ही सर फाइनली तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लेकर के आज का इस न्यू डिमांडिंग वीडियो एंड इसके लिए सर काफ़ी लोग डिमांड भी कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि भाई न्यू कमिंग सून स्टेटस लेकर के आओ बर्थडे वाला। तो फाइनली इसमें लेकर के आ चुका हूँ, बट एक कंडीशन है कि सर यहाँ पर जो सॉन्ग मैंने यूज़ किया ना उसमें सर कॉपीराइट क्लेम का इशू आ रहा था, जिसकी वजह से मैं कुछ जगह म्यूट कर दिया हूँ सॉन्ग को, ठीक है। तो यार अगर आपको मजे लेना फुल सॉन्ग के साथ स्टेटस को देखना है तो भाई आप टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर आप रील्स देख लेना, और वैसे भी आप मटेरियल डाउनलोड करने जाओगे टेलीग्राम पर तो भाई थोड़ा सा प्ले करके देख लेना, आपको फुल मजे आ जाएंगे। और सर गारंटी देता हूँ आपको स्टेटस 110% पसंद ही आने वाला, क्योंकि तबाही स्टेटस बना दिया तुम्हारे भाई ने, ठीक है। और हाँ, और गाइस एक बंदे को मैंने सपोर्ट किया हुआ इसी वीडियो के नीचे, उसका चैनल का लिंक मिल जाएगा, सो जाकर के जरूर से उसे आप सपोर्ट करना, और चैनल पर नया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए सर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको सिंपली करके यहाँ पर इस ओपन करना आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन एंड सर अलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद सिंपली आपको समय जो बीट मार्क दिख रहा है इस आपको इस प्रेसेट को ओपन करना है, और यहाँ पर इस आपको काफ़ी सारे इस बीट मार्क मिल जाएंगे जिनमें आपको फोटोज़ वगैरह ऐड करना एंड कुछ और भी चीज़ें, ठीक है। बट स्टार्टिंग में सर आपको कुछ चीज़ें लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करना है, जो प्लस का आइकन मिला उस पर हमें टैप करना जाना टेक्स्ट पर, और यहाँ पर आपको लगे अगर आप कमिंग सून वाला स्टेटस क्रिएट करो तो इस आप कमिंग सून लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट लिखिए सर विश यू हैप्पी बर्थडे वगैरह लिख सकते हो, या फिर इस आपके माइंड में जो भी आप मतलब लिखना चाहोगे आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो भाई मैं यहाँ पर एक नॉर्मली किस हम यहाँ पर कमिंग सून का स्टेटस क्रिएट करने वाला, तो फिलहाल मैं यहाँ पर कमिंग सून लिख लेता हूँ एंड बेसिक फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, और फॉन्ट का जो साइज है इसमें यहाँ पर 40 की समथिंग रख लेता हूँ, इस अपने हिसाब से रख लेना। कलर किस हम ब्लैक के साइड में जो ब्लैक है हल्का सा डार्क ब्लैक उसे रख लेते हैं, और रोटेशन पे जाएंगे हम यहाँ पर रोटेट पे जाएंगे, और कहीं समय पर 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं लाइक कुछ इतना, ओके कहीं ज़्यादा भी नहीं करना हमें, ओके। और आने के सर हमें लास्ट बीट मार्क तक मतलब स्टार्टिंग का बीट मार्क तक, और यहाँ पर इस आपको इसका ड्यूरेशन बढ़ा लेना है। और अब गई सर आपको इस गई स्टार्टिंग से लेकर गई 6 से 7 सेकंड तक गई आपके यहाँ पर बढ़िया से कट लगा करके जो भी गई आपको लिखना है वो गई आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। गई आपने सबसे जितना ज़्यादा लिखना चाहते हो गई आप लिख सकते हो, या फिर गई आपने सबसे टाइम ड्यूरेशन वगैरह स्टार्ट कर लेना, ठीक है। सो फिलहाल गाइस यहाँ पर मैं डेट वगैरह डाल देता हूँ लाइक यहाँ पर जैसे कि 30 अगस्त, तो सॉरी यार यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, AUGUST, ओके। सो हो गया, डन करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर गाइस सर कमिंग सून अपना मतलब डेट वगैरह डाल देना, और यहाँ पर गाइस आपको मतलब ऐसे बी रेडी वगैरह या फिर हैप्पी बर्थडे या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर गाइस अपने हिसाब से जो भी आपको बेटर लगेगा इस आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो लगे जैसे कि इस तरीके से, और यहाँ पर अगर आपको कुछ तरीके से हो तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेना, एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे तो अब गाइस आपको सिंपली गन किया अपने हिसाब से थोड़ा सा आपको कट लगाना, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही कट लगा और यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल हम किसी यहाँ पर हैप्पी बर्थडे नहीं लिखेंगे, कुछ और लिख देते हैं क्योंकि इसे जल्दी खत्म नहीं करना है, थोड़ा सा एंडिंग तक लिखना है। तो लगे इसे यहाँ पर बी रेडी लिख देते हैं फिलहाल में, एंड थोड़ा सा आगे जाते हैं और इस पर भी हम कुछ लिख देते हैं लाइक इसे चलो यहाँ पर विशियो लिख देते हैं, ये भी बेटर लग रहा है, ओके। सो गाइस आप यहाँ पर विशियो लिखने के बाद थोड़ा सा गाइस आप जो अपने हिसाब से लिख लेना, मैं गाइस आपको पहले ही बोलते रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आपको सेम ही लिखना है तो गाइस आप यही चीज़ भी लिख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है वैसे तो। सो लाइक इसे मैं सिंपली से एडिट करूँगा कट मार्क करके, और यहाँ से यहाँ पर लिख देता हूँ हैप्पी बर्थडे इन एडवांस भी किसी यहाँ पर लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है मतलब कमिंग सून वाला स्टेटस क्रिएट कर रहे हैं। अगर इस आपको प्रेजेंट वाला स्टेटस क्रिएट करना है तो गाइस आप सिंपली से यहाँ से डेट वगैरह फिक्स वगैरह करके विश यू हैप्पी बर्थडे वगैरह लिख लुक के गाइस आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हो चुका है, ठीक है। अब गाइस हमारा नॉर्मल से जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है, अब गाइस हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सो अब गाइस आपके यहाँ पर फोटोज वगैरह ऐड करना, जो कि बहुत ही सिंपल स्टेप गाइस सर, इसमें कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे सर। कोई भी बंदा हो लाइक पहली बार किसी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ तो गाइस आप बस ध्यान से वीडियो देखना, बहुत ही अच्छी है। सिंपली फोटो को ऐड करना कुछ इस तरीके से, और गाइस आपको फिल स्क्रीन करना है और स्टेप मतलब यहाँ पर टैप करके कट कर देना, ठीक है। इसी टाइप इसमें यहाँ पर कुछ फोटोज हैं, इसमें यहाँ पर जैसे ऐड कर रहा हूँ वैसे ही आपको फोटोज को ऐड करना है। तो फटाफट इसमें यहाँ पर फोटो को ऐड कर लेता हूँ, फिल स्क्रीन करता हूँ और यहाँ तक आता उसको कट करता हूँ एंड यहाँ पर भी, तो हालांकि इसमें यहाँ पर ज़्यादा फोटो ऐड नहीं करने वाला तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारा स्टेटस 30 सेकंड का है, बट इसमें आप 12 से 13 सेकंड ही रखने वाले, बिकॉज 30 सेकंड स्टेटस क्रिएट करते करते सर 3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो वैसे हम कुछ इस तरीके से, और ये हो चुका, ठीक है। अब इतना कुछ ही सर हमारा हो चुका है, एंड एक फोटो और रख लेते, चलो एक एडवांस रख लेते, ठीक है। 4 के साथ 1 फ्री।
सो अब मुझे ऐसा लग रहा है भाई दो फोटो और रख लेते हैं, बट कोई बात नहीं, हम इसको कट कर देते हैं। सो लाइक हमने 13 सेकंड कर लिया है, और गाइस अब हम यहाँ पर कम्प्लीटली समझ जाएंगे भाई क्या क्या चीज़ें करना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप भी कम्प्लीट हो चुका है। अब गाइस सर हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो गाइस सर हमें आना शेक इफेक्ट सेट पर, जो आपने डाउनलोड किया होगा, तो सिंपली गाइस आपने डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। तो अब गाइस इसे हम ओपन कर लेते हैं, और डाउनलोड आप इसे कहाँ से करना है तो पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आपको इससे पहले कॉपी करना है, ठीक है। तो सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है, बैक आना है, और भाई आपने जो बीट मार्क यहाँ पर बेस्ट मतलब जो इंपोर्ट करना है, आपने जो बीट मार्क यहाँ पर रखा हुआ ना उस पर आ जाना है। और गाइस ये हमारा मैन प्रेसेट है, तो इसमें गाइस आने के बाद हमें क्या करना है, फोटो गाइस जो मतलब ऐसे कम ड्यूरेशन मतलब जिसका गाइस सर कम ड्यूरेशन है उस पर आपको इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पर और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं भाई कितना और कोई एक फोटो है जिसमें कम ड्यूरेशन, गाइस आपको ए टू जेड सारी फोटो जिसमें कम ड्यूरेशन हो इसी इफेक्ट का यूज करना है, ठीक है। हालांकि इसमें अलग अलग फोटो में अलग अलग इफेक्ट यूज करना, तो गाइस मैं आपको यहीं पर समझा दूँगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम आते हैं सर शेक इफेक्ट के अंदर, और गाइस अब आप देख सकते हो यहाँ पर गाइस लॉन्ग ड्यूरेशन वाला भी है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर फ्लिकर इफेक्ट वाला है, जिसके अंदर गाइस आपको फ्लिकर साउंड देखने को मिलेगा, सॉरी मतलब फ्लिकर इफेक्ट देखने को मिलेगा, बट उसे लगाना फ्लिकर साउंड के हिसाब से, ठीक है। सो गाइस हम आते हैं बीट मार्क पर, और यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, सो गाइस आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ठीक है। और गाइस फर्स्ट एंड सेकंड जो फोटो हैं उनके बाद में या फिर गाइस सेकंड फोटो से गाइस आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गाइस आपको इस फ्लिकर इफेक्ट वाला इसको पेस्ट करना है। इसमें गाइस आपको दोनों इफेक्ट मिल जाएंगे, फ्लिकर इफेक्ट भी एंड जूम इन जूम आउट भी, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से, और जो गाइस अब आपको सिंपली बैक आना है, और बैक आने के बाद गाइस सर आपको क्या करना है, इसको सिंपली से कॉपी कर लेना है यहाँ से, और बैक आ जाना है। एंड बैक आने के बाद आपको फिर से आना है बीट मार्क प्रेसेट पर, जो हमारी मैन प्रेसेट है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे जाते हैं, ओह लाइक यार, ओके। सो यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्या करना है सर, यहाँ पर एंडिंग की जगह जो फोटो हमारी बची जिसका कि सर लॉन्ग ड्यूरेशन है उस पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये स्टेप भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है साउंड के हिसाब से साउंड इफेक्ट है, लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से लॉन्ग फोटो का हिसाब से, और सारी चीज़ें बाकी ब्ला 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 समझ सकते हो, ठीक है। अब गाइस आपको क्या करना है सर, यहाँ पर आपको एक जो फोटो है जो कि इस बर्थडे वाला PNG है उसे आपको ऐड करना है, और सिंपली से मूवमेंट ट्रांजिशन पर जाके थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर किसी परफेक्टली शो नहीं होगा, तो इसलिए किसी हमारे पास एक आइडिया किसी आपको आगे बताऊंगा वीडियो पर, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। तो गाइस अब हम क्या करने वाले, पहले हम आते हैं स्टार्टिंग पर यार, थोड़ा यहाँ तक, और चाहिए प्लस पे मीडिया पर, और एक PNG ऐड कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमने PNG को ऐड कर लिया प्लस पर टैप करके, और इसी के साथ आपको सिंपली डाउन साइड करना है कुछ इस तरीके से, और इस एंडिंग तक आपको सिंपली इसका ड्यूरेशन के हिसाब को बढ़ा लेना है, ओके। सो गाइस इसको हम टैप करके होल्ड करके ऊपर साइड कर देंगे, और गाइस सर ब्लैक से ऊपर हो जाएगा, एंड काफ़ी कम हल्का लग रहा है, ठीक है, देखने में बहुत ही ऑसम, ठीक है। अब गाइस सर आपको क्या करना है सर, यहाँ पर आपका मतलब कुछ स्टेप फॉलो मतलब यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, मैं भूल गया भाई 3-4 कौन से स्टेप है, मैं भूल गया, ठीक है। अब वो सब छोड़ोगे सर, अब हमारे यहाँ पर एक मेन स्टेप आता है भाई, अब आपको क्या करना है सेक इफेक्ट पर आना है, और अब गाइस सर आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि सर अब आपका मेन एंड थोड़ा सा मतलब हार्ड वाला स्टेप कंप्लीट करने वाले हम लोग, तो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इसे हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं इफेक्ट को, बैक आएंगे बीट मार्क पे शर्ट पर आते हैं। और गाइस सर बीट मार्क पे शर्ट पर आने के बाद स्टार्टिंग में जो हमने लिखा हुआ कमिंग सोन, हमें इस फर्स्ट प्रेसेट को पेस्ट करना है, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद हम थोड़ा सा प्ले करेंगे, तो आप देखेंगे कि वाओ और समझ गया। तो भाई कुछ इसी तरीके से हम इस पर भी पेस्ट कर देते हैं, एंड इसमें भी गाइस आप देखेंगे। तो गाइस मैं फटाफट से यहाँ पर इसे मैं भी पेस्ट करता हूँ, और चलो इसमें भी गाइस हम यहाँ पर फटाफट से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर गाइस अभी हमारे कितने 2 बचे हैं ना, तो गाइस हम इस पर भी पेस्ट कर देंगे फटाफट से। सो लाइक हम इस पर भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद गाइस सर अब आपको क्या करना है सर, जितना भी यहाँ पर स्क्रीन में लिखा हुआ है उन्हें गाइस आपको कॉपी करना है लेयर को, ठीक है। तो लेयर को कॉपी कैसे करते हैं, यहाँ पर गाइस आपको टैप करना है साइड में, ठीक है, यहाँ से कुछ तरीके से होल्ड करके टैप करना है, और आपको ऑल लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। और गाइस आपको सिंपली करना है लेयर को सिलेक्ट करने के बाद, तो इसको नहीं करना, इसमें गाइस आपको टैप करना एंड कॉपी 6 लेयर इस पर टैप कर देना, ठीक है। तो सिंपली गाइस ऐसे में कुछ तरीके से कॉपी 6 लेयर गाइस मैं सिंपली से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो ऊपर डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर टैप करके डिलीट कर देना, बिकॉज इनका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर कलर कलिंग वाला जो टेक्स्ट है वो हम यूज़ करने वाले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट पर जाएंगे, सिंपली पेंसिल पर जाना 1080 लिख के 2340, और सेंटर में एक ऑप्शन उस पर पहले टैप करना, फिर लिखना तभी होगा, ठीक है। और ब्लैक के साथ क्रिएट पर टैप करना, फिर आपको यहाँ पर टैप करना, पेस्ट कर देना है। अब गाइस सर आपको क्या करना है सर, यहाँ पर आपको कलर ऐड करना, तो ये सिंपली हम इसे एक्सपोर्ट पर टैप कर देंगे। तो ये भी गाइस सर हो चुका कंप्लीट, क्या अब गाइस सर हमें एक और स्टेप कंप्लीट करने वाले, तो गाइस हम आते हैं यहाँ से बैक, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी वीडियोस वगैरह पड़ी हुई, तो सिंपली हम नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जिससे आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है। तो न्यू पर हम टैप करेंगे, और न्यू पर टैप करने के बाद सिंपली गाइस हमें करना है सर, यहाँ पर हमने फ्रेम पर कस्टम पर, और गाइस सर आपको यहाँ पर सिंपली से 1080 लिख लेना, ठीक है।
4108 जीरो लिखने के बाद सिंपली यहाँ से मैं 2340 लिख लेता हूँ, ठीक है, मतलब इस रूट से जीरो, ओके 2340 एंड सिंपली से हम मीडिया पर जाएंगे, वीडियो पर जाएंगे और ये सर हम यहाँ से एक वीडियो को सर ऐड करने वाले, जिसमें किसम डालने वाले कलर जो कि हमने कलर को लिंक हमने स्टार्टिंग में दिखा था प्रीव्यू पर, ठीक है। सो वीडियो हमने ऐड कर लिया प्लस पर, हम यहाँ पर टैप करने वाले हैं सिंपली जो प्लस है उस पर एंड सिंपली हम सर्च पर जाएंगे और ये सर यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है ग्लो, ओके सो ग्लो, तो ग्लो सर्च करने वाले सिंपली ग्लो पर टैप करना है और भाई आपको स्टार्टिंग पे आपको टैप करना है और इसको कट कर दो भाई, कंप्लीट कट कर दो 5.06 करके, या आपको 0.80 करना है और इस पर आपको टैप करना है, इसको कट करके आपको 0.25 कर देना है एंड इसको कट करके ओके सो 7 गीज आपको करके डन कर देना, ठीक है। एंड जिस आपको जाना कलर के ऑप्शन पर, सैचुरेशन गीज आपको यहाँ तक करना है, ठीक है, यहाँ तक रेड कलर अप्लाई हो गया। अब ये सर आपको जहाँ तक आपको कलर चेंज करना, तो आपको उसके लिए क्या करना, जो ग्लो कलर लिखा है उसके अंदर सेटिंग है, आपको सेटिंग आपको सामने देखने को मिल रही है, पहले यहाँ तक हम आ जाते हैं। अब इस आपको सिंपली ऊपर साइड जो कलर है, कलर की जहाँ पेंसिल है उसके सामने गई आपको इस पर टैप करना है और इस आपको सिंपली की पर टैप करना है और आगे जाकर इस आपको यहाँ पर जो कलर है इस आपको कोई भी कलर यहाँ पर रख लेना है दो की के साथ, ठीक है, फर्स्ट की नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड की के, सेकंड की में गई आपको रखना है और इसे दोनों को मिला देना है, ठीक है। अब सर एक साइड रेड है एंड एक साइड की सर ब्लू है, तो आप देख पाएंगे ब्लू पे कुछ तरीके से रेड में कुछ तरीके से इस टाइप से आप कलर को चेंज कर सकते हो। अब आपको सिंपली करना इसे एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है, तो एक्सपोर्ट पर जाना है, हाई क्वालिटी पे एक्सपोर्ट करना है एंड आपको इस पर टैप करना है एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब कैसे ओपन कर लेते हैं अपना अलाइड मोशन ऐप को। अब कैसे हमारे यहाँ पर अलाइड मोशन ऐप हो चुका है ओपन और अगर जाना है बीटमार्क एप्लीकेशन, सॉरी बीटमार्क प्रोसेट के अंदर एप्लीकेशन लग से थोड़ी बनाकर रिलीज कर दूँ मैं। अब इस आपको करना है जो वीडियो की आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया होगा ना सर, जिसके अंदर कलर वगैरह सारी चीज़ें हैं उसे आपको सिंपली से ऐड कर लेना है। हालांकि इस यहाँ पर मतलब ऐसे वो फ्रेम रेट वगैरह को थोड़ा हैवी क्वालिटी में और इस वाले फ्रेम रेट में जैसे 1080p सपोर्ट नहीं करता है, मेरा तो पता नहीं क्यों इशू आता है, तो इसमें 720p में एक्सपोर्ट करना पड़ता है, बट फिलहाल सर मैं ऐसे कुछ नहीं, ठीक है, आप यहाँ से ऐड कर लेना, इसे ऐड तो होगा नहीं, तो अगर आप ऐड कर लेना अपने डिवाइस पर सपोर्ट कर जाएगा, नहीं तो आप मतलब 720p पे कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आपका वीडियो इस तरीके से रेडी हो जाएगा और इस आपको सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है। सो होप गाइस आपको वाला वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना और ये सब चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे जल्दी सर 6-7 महीने बाद नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक।